न्यूक्लियर बम काम कैसे करता है, तो चलिए जानते हैं। इसे समझने के लिए 1945 में नागासाकी में गिराए गए फैट मैन की वर्किंग को देखते हैं। वैसे न्यूक्लियर बम जितना घातक है उतना ही आसान इसकी वर्किंग है। इस न्यूक्लियर बम में 6.19 किलो का प्लूटोनियम फियर है जिसे कंप्रेस करना होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि इसे शुरू करने के लिए 3 लाख एटमॉस्फियर प्रेशर चाहिए। ये प्रेशर 5 लाख हाथियों के बराबर होता है। इतने ज्यादा प्रेशर को क्रिएट करने के लिए प्लूटोनियम बाल पर बहुत सारे आरडीएक्स और सियानाइड की लेयर चढ़ाए जाते हैं। न्यूक्लियर बम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 5000 वोल्ट का करंट तक भेजा जाता है, जिसके बाद इसमें 32 स्पार्क क्रिएट होती है। इसके बाद न्यूक्लियर की बाहर की मोटी लेयर सॉफ्ट वेव को अंदर की ओर कंप्रेस करने लगती है, और इस सॉफ्ट वेव एल्यूमिनियम से होते हुए प्लूटोनियम को कंप्रेस करके इसमें चेन रिएक्शन शुरू कर देती है, और एक महाविस्फोट के साथ जो प्रलय आता है वह इंसानों को राख बना देता है। और अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे।